मणिपुर के सिखों ने खून से खत लिखकर पीएम मोदी को भेजा है, जिसे बहुत जल्द पीएम मोदी पढ़ेंगे और मुमकिन है कि वो खत का जवाब भी दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो सिख खून से खत लिखने को मजबूर हो गए। तो आज हम आपको खून से लिखे खत और पीएम मोदी के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में खत लिख रहे ये अवतार सिंह हैं। अवतार सिंह रामपुर में वीर खालसा सेवा समिति के नाम से एक संस्था चलाते हैं। ये संस्था गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहतरीन काम करती है, जिसके लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अवतार सिंह ने अपने खून से खत लिखा है और ये खत भी किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि पीएम मोदी के लिए है। आज वीर खालसा सेवा समिति की ओर से अध्यक्ष अवतार सिंह ने अपना खून सुबह निकलवाया और एक धन्यवाद लेटर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिख रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सिख धर्म का, सिखों का सम्मान किया है, ये सिखों के लिए बहुत बड़ी बात है। दरअसल इस बार गुरु श्री तेग बहादुर साहिब का प्रकाश पर्व सीधे लाल किले पर मनाया गया, जिसका आयोजन खुद पीएम मोदी ने करवाया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत भी की। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का सिक्का भी लॉन्च किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश उत्सव, 401वां प्रकाश उत्सव जिस तरीके से लाल किले में मनाया जा रहा है, ये सिखों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ी बात है। कल श्री अमित शाह जी ने वहाँ पहुँचकर माथा टेका, आज श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे, माथा टेकेंगे और देश को, सिखों को पर्व की बधाई देंगे और एक 400 साल सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की शान में हुए कार्यक्रम से सिख समुदाय काफी खुश है और इसी खुशी का इजहार करते हुए वीर खालसा सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह ने पीएम मोदी के नाम खून से खत लिखा है और उन्होंने इसके जरिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। तो ये हमारे लिए, सिखों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मोदी जी का और धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का। उन्होंने भी अपनी विधानसभा में, अपने मुख्यालय पर हमने देखा, जब भी आज इतिहास में पहली बार वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कई बार उन्होंने कराया, हम भी वहाँ पहुँचे। तो ये बहुत अच्छी बात है, सिख धर्म को साथ लेकर चलने वाली बात है और सिखों का सम्मान करने वाली बात है। तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने जो लाल किले के अंदर इतना बहुत ही सुंदर तरीके से उसको सजाया है, लाखों की तादाद में सिख समाज वहाँ पहुँचकर, हर धर्म के लोग वहाँ पहुँचकर माथा टेक रहे हैं, एक गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का पर्व मना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी के लिए आज मैं अपने खून से उनको एक धन्यवाद लेटर लिख रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिलहाल सिख समाज के लोग काफी खुश हैं, लिहाजा आप देखना ये होगा कि पीएम मोदी इस खत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये खबर हमारे संवाददाता शहबाज खान ने कवर की है। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर हमारी ये खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।